अब मुकाबला है 97 किलोग्राम वर्ग में देवियों सज्जनों, हरियाणा हैमर्स की ओर से आ रहे हैं अर्जेंटीना के यूरी मोर। में पैन एशियन गेम में यूरी ने एक सिल्वर मेडल लिया है। टावर छबर प्राश प्रो रेसिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब दिल्ली वीर की ओर से आ रहे हैं गुरपाल सिंह। एक तरफा मुकाबला और बहुत परफेक्ट सेटिंग है गुरपाल के लिए, क्योंकि गुरपाल की धमनियों में रेसलिंग बहती है गुरु, करतार के साथ रिश्तेदारी है और बंदा तगड़ा है और रगड़ा भी तगड़ा है। बिल्कुल, पद्मश्री करतार जो कि खुद एक पहलवानी के लीजेंड थे, उनके परिवार से हैं और ये बाउट आपके सामने अब। जी बिल्कुल, और कहने के मैं लगता है कि शुरू में जो आर्म कंट्रोल है उसका बढ़िया यहाँ पे प्रयोग करते हुए दोनों ही रेसलर्स वो दम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पर बहुत जल्दी उभरे, संतुलन अपना बनाया और कहने है उभर के आए हैं। बहुत जबरदस्त से मुकाबला रहने वाला है, याद रखिए 7 इवेंट 2015 में यूरी को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं रीसेंट जो उन्होंने मुकाबले खेले हैं, जो दर्शाता है बढ़िया लय में है जगदीश। और यहाँ पर बहुत अच्छा गट्टा खींचा था, खेमे की पोजीशन थी और वहाँ पे गट्टा खींचा, डेंजर पोजीशन में पटका और यहाँ पर अब कमर पर मजबूत पकड़ बनाए हुए, इस समय एक टंगी डाली हुई है, खतरा मंडराता हुआ यूरी मायर पर। बहुत ही शानदार प्रदर्शन गुरपाल द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, और लगता है कि बहुत बढ़िया यहाँ पे जो दाव खेला है और इसके कारण मुश्किल है, जॉन डाउन जो कि रेफरी हैं अभी भी इंतजार करते हुए फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आते हुए दोनों ही रेसलर्स। याद रखिए 3 मिनट का ये पहला राउंड होगा और उसके बाद 3 मिनट का दूसरा राउंड भी 2 राउंड होंगे, तो कहना के दबाव डाला है, आक्रामकता दिखानी है, पर गुरपाल पहले हावी होते हुए जगदीश। दिल्ली वाले खेल रहे हैं दिल से, और पिता श्रवण भी एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जड़ मजबूत है, जड़ मजबूत है तो तना अपने आप मजबूत है, बंदा गाड़ रहे भाई। और यहाँ पर यूरी मायर के नाक में से खून आ गया था और उनको मेडिकल रेस्ट यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी के किसी भी अंग से खून आता है तो वहाँ पर मेडिकल रेस्ट दिया जाता है। शेर के मुंह खून लग जाए ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल, और जख्मी शेर अब नजर आएगा क्या करता है, ये देखिए सिंगल लेग टैकल करते हुए मुश्किल में वहां पे और कहीं ना कहीं फिर वापस आए। बहुत अच्छा अटैक था और ये बाहर धकेलने में सफल हुए गुरपाल। जीतने की जद्दोजहद तभी करता है फौजी जब उसकी अपनी जिंदगी दाव पे लगी हो, वो तो फौजी है जिंदगी दाव पे, यहाँ साख दाव पे, मान सम्मान दाव पे, अरे सब कुछ दाव पे, हट पीछे सादा हाथ ऐठे रख। जय, और शेर की तरह लड़ते हुए यहाँ पे फिलहाल बढ़िया शुरुआत गुरपाल द्वारा, पूरा टक्कर दे रहे हैं, बिल्कुल ही पीछे नहीं हट रहे। अच्छा अटैक किया था यूरी ने, पर बहुत अच्छा डिफेंस किया गुरपाल ने, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत सूझबूझ से इस समय इस कुश्ती को लड़ते हुए गुरपाल। 26 वर्षीय है यूरी मेयर, अगर आप देखें कहने का अनुभव की कोई कमी नहीं है, जैसे मैंने कहा साउथ अमेरिकन में गोल्ड दर्ज किया था 2014 में, तो एक्सपीरियंस उनके पास है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और वो जो एक्सपीरियंस है वो अब रंग लाता हुआ कैसे वापसी करेंगे अभी थोड़ी कठिनाई में। एक्सपीरियंस कितना भी हो वक्त बड़ा कम है, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, खटैक। टाइम बहुत कम है गुरु, 5 पॉइंट आगे, लीड देखिए मिलो मिल आगे, प्लेइंग कैच अप। जी हाँ बिल्कुल, दादे नहीं होगी शरीफा, अगर आप बात करें गुरपाल की, जिस प्रकार शुरू में हल्ला बोला है, जिस प्रकार आक्रमण किया है, बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल हावी हो गए हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं यूरी मायर को। 5 अंकों की बढ़त हासिल की हुए गुरपाल, बहुत अच्छी टेक्निक और टैक्टिक्स का सही समय पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। आत्मविश्वास जग जाए ना तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक घबराया हुआ है रिवर्स गियर में और दूसरा चौथे गियर में, फ्लाइंग गियर में,
रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफा मुकाबला और फिर कंट्रोल में गुरपाल ने कर दिया धमाल। यहाँ पे बहुत अच्छा काउंटर किया, खेमे की पोजीशन थी और जैसे ही खड़े हुए डिसबैलेंस हुए वहां पर काउंटर कर दिया। और यहाँ पर इस समय एक टंगे की पोजीशन, पूरा बॉडी वेट उनकी बैक पर और ये रेफरी का इशारा स्टैंडिंग पोजीशन के लिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया बढ़त वहां मिलती है। अब ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है और लगभग अब 4 सेकंड शेष, तो ज्यादा समय नहीं और ये जो पहला राउंड है समाप्ति पे। मिलो मील आगे, बुलेट ट्रेन की तरह 7 पॉइंट आगे और यूरी मालगाड़ी की तरह ढीचक ढीचक। बहुत लंबे फासले हैं, फासलों में कुछ नहीं रखा हकीकत देख, आज जीतना तेरे जिंदा रहने की शर्त है गुरु। और याद रखिए अगर 10 पॉइंट की लीड हो जाती है तो मुकाबला समाप्त हो जाता है। एक बार फिर गुरपाल हावी होते हुए बहुत ही बढ़िया दाव रखा है यहाँ पे और पूरी तरह से यहाँ टेक डाउन करते हुए मुश्किलें बढ़ती हुई यूरी मेयर के लिए यहाँ से उभरना बहुत कठिन। और गुरपाल ने अपना सम्मोहिनी जादू फैला दिया है, नर समाज का एक ही भाग्य है भुजाओं का बल और वाकई दिखा दिया है एक तरफा मुकाबला हो चुका है, पूरी तरह से हावी धूल चटा दी। जी याद रखिए लिवान ने जो पहला मुकाबला जीता था 7-0 से और आप गुरपाल 9-0 से आगे और यहाँ फिर से मजबूत पकड़। क्या जीत मिलेगी? और जी हाँ, ऐसा लग रहा है मुश्किलें बढ़ती हुई बाहर धकेला और मुझे लगता है जी हाँ मुकाबला जीत लिया है, एक तरफा मुकाबला। और यहाँ पर 10 अंक बना लिए हैं टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर, गुरपाल ने एक शानदार जीत हासिल करी है। टेक्निकल सुपेरिटी 10 अंकों का जब डिफरेंस आता है तो रेफरी बाउट को रुकवा देता है और ये गुरपाल विजयी। और ये ऐसा पहला मुकाबला हुआ है जो 10-0 से किसी भी रेसलर ने जीता हो अभी तक इस टूर्नामेंट में, तो पहला कारनामा किया यहाँ पे गुरपाल ने। What about मेरे साथ है गबरू जवान दिल्ली वीर के गुरपाल सिंह। Oh my God, 10-0 कैसे किया आपने मुझे ये बताइए पहले। बस इसी चीज की तैयारी कर रहे थे लीग की, कब से की होगी इस बार हुई है, तैयारी पूरी थी उसी का फायदा मिला है। लेकिन इतनी तैयारी मतलब 10-0, आपने कभी सोचा था कि आप वहाँ जाएंगे और ऐसा होगा? तैयारी तो पूरी थी अपनी तरफ से, बाकी तैयारी अच्छी हो तो सब कुछ पॉसिबल है।